आपने यहाँ पे अभी धरना किया है और आपका डिमांड क्या है मेनली? अभी हमने भाग्यनगर एबिट सेंटर में जो ये शिवमोगा कर्नाटका में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा जी का हत्या हुआ था 20 तारीख के दिन, उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे धरना किया है। हमारा डिमांड ये है कि अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे और हमारे ये जो गवर्नमेंट्स है खाली देखते रहेंगे तो हर हिंदू बाहर आएगा। आप ये सेक्युलरों को हमारा ये एक विनती है कि आप अपना आंखों में से पर्दा निकालिए, ये जो सेक्युलरिज्म का पर्दा है निकालिए। ये लोगों के ये कामों से इनका असली चेहरा बाहर आ रहा है, इनको पहचानिए आप, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये हिजाब का इशू रेज हुआ था पूरे बाहर सेक्युलरिज्म के नाम पे आके पोस्टा लगा रहे थे सोशल मीडिया में, लेकिन अभी जो हमारे बजरंग दल का कार्यकर्ता का हत्या हुआ है वो भी 40 से 50 जिहादी तलवारों से चाकुओं से उनके ऊपर अकेले के ऊपर हमला करके उनको बहुत बुरी तरह से उनकी हत्या कर दिया था। आज कोई भी सोशल मीडिया में सेक्युलर आदमी जो अपने आप को सेक्युलर करता है या जो सूडो सेक्युलर से कोई भी आके बाहर उसका विरोध नहीं कर रहे। हमें विनती है यह समाज से कि अभी एटलीस्ट अभी तो आप अपने आंखा खोलिए, आंख खोल के बाहर आ रही है, देखिए इनका असली चेहरा। हाँ, तो सरकार भी बीजेपी का है, मतलब राइट विंग ही माना जाता, तो आप भी मतलब बीजेपी से कहीं ना कहीं ठहरे भी रहते हैं, तो डिमांड क्या करना चाहते हैं आप सरकार? नहीं, कोई भी सरकार रहने दीजिए, हमें हिंदुओं के जीवन का मूल्य समझना चाहिए। सरकार कोई भी हो, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके उनको रक्षा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हिंदू के ऊपर हमला होना वाला है तो उनको आप सिक्योरिटी दीजिए। एक आदमी को नहीं पूरे समाज को सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा आप लॉस लेके आइए। कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारा ये विनती है कि ऐसे लॉस लो लेके आइए कि अगर कोई ऐसा कम्युनली अटैक करेंगे तो उनको 50 लोग अटैक करे थे, एक को भी आप नहीं छोड़ना चाहिए, सभी को जो शिक्षा डिमांड करना। चलिए, और एक बात, PFI का भी बात आप सुन ही रहे होंगे, और यू नो हिजाब रो में PFI का रोल है बोल के भी बहुत सारे एलिगेशंस राइट विंग से ही आया था, तो अभी आप जाकर देखिए थोड़े मतलब मुस्लिम ग्रुप्स खुद बाहर आकर दिल्ली में ये डिमांड कर रहे हैं कि PFI को बैन करना चाहिए, और थोड़े दो तीन कांग्रेस लीडर्स मतलब जो कर्नाटका में हिजाब रूप को मतलब एंटी जा रहे थे, मतलब सपोर्ट कर रहे थे, जो मुस्लिम ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग भी थोड़े लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि PFI को बैन करना चाहिए, इसको आप कैसा देखते हैं, इस पर क्या कहना है आपको? PFI तो हेंस प्रूव्ड है कि उसको कई उग्रवादी संस्थाओं से लिंक्स है, वो कई उग्रवादी संस्थाओं को आर्थिक रूप से भी उसने फंड रेज करके भी सपोर्ट किए, सो दाखिले है अपने कने गवर्नमेंट कने भी है, लेकिन ये केरला गवर्नमेंट का स्टबन स्टैंड है कि उसे बैन कर रहा है और उल्टा उसको इनकरेज कर रहा है। हर इश्यू पे वो बाहर आके उग्रवादी चर्या करते ही रहता है, तो इसे जल्द से जल्द बैन करना चाहिए। ये एलिगेशन नहीं है, ये तो हम कहते हैं कि ये प्रूव्ड फैक्ट है कि उसको उग्रवादियों से डायरेक्ट रिलेशन है। इसके ऊपर गहरी जानकारी करके पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बैन करें और उसमें जो जो मुख्य व्यक्तियाँ हैं उनको भी आप पकड़ के आप उनको प्रिजन में डाल दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि बैन करना चाहिए? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट और मुख्य तौर पे वहाँ के केरला के गवर्नमेंट से हम बैन करते हैं, क्योंकि उसका इनकरेजमेंट ज़्यादा है गवर्नमेंट का उनको PFI को, नहीं तो PFI इतना आगे आके रोडों के ऊपर जो वहाँ पे हिंसा करती है वो नहीं कर सकता है। तो मुख्य तौर पे हमारा केरला गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इमीडिएटली आप PFI को बैन करिए। ये फैल रहा है केरला से पूरा भारत देश में फैल रहा है, ये कैंसर की तरह फैल रहा है, इससे पहले वो किसी और स्टेट्स को इफेक्ट करे आप इसे इमीडिएटली बैन करिए।